What's up guys, my name is Spark. And my name is Flame. स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में. And yes, तुमने टाइटल सही पढ़ा. इस वीडियो में हम Skyblock खेलने वाले हैं. जैसा कि तुम्हें याद ही होगा कि हमारी Skyblock की एक सीरीज भी हुआ करती थी. लेकिन अफसोस, सभी को पता है कि उसके साथ क्या हुआ. हाँ भाई, तुमने वर्ल्ड डिलीट कर दिया था और क्या. ओए, कौन बोल रहा है वर्ल्ड डिलीट किया था. डिलीट नहीं किया था गाइस, वो वर्ल्ड गायब हो गया था. वो भी खुद ही. हमने कुछ नहीं किया था. सच्ची में झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो. स्काई ब्लॉक में हम एक फ्लोटिंग आइलैंड पर स्पॉन होते हैं और हमें सर्वाइव करने के लिए एक चेस्ट और कुछ सामान मिलता है जिसका यूज करके हमें गेम में प्रोग्रेस करनी होती है. इसके अलावा स्काई ब्लॉक में और भी काफी सारे डिफरेंट बायोम्स पर बेस्ड आइलैंड्स होते हैं जहाँ पर हम डिफरेंट चीजें कलेक्ट कर सकते हैं. इस वीडियो में हमारे तीन मेन टास्क होंगे. पहला एक सुंदर सा घर बनाना, दूसरा एक आयरन फार्म बिल्ड करना और तीसरा और फाइनल टास्क होगा एंडर ड्रैगन को मारना. इस वीडियो को बनाने में हमें पिछली सभी 100 डेज से बहुत ज्यादा टाइम लगा है. तो अगर तुम्हें वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक जरूर करना. लेस एम फॉर 80,000 लाइक्स. पता नहीं पूरा भी हो पाएगा या नहीं, बट या एंजॉय द वीडियो. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय हिटपॉ वीडियो कन्वर्टर. हिटपॉ वीडियो कन्वर्टर एक बहुत ही पावरफुल कन्वर्टिंग टूल है जिसके अंदर 500 से भी ज्यादा वीडियो फॉर्मेट्स और 300 से भी ज्यादा ऑडियो फॉर्मेट्स है. इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है जिसमें तुम्हें तीन मेन ऑप्शन मिलेंगे, कन्वर्ट, डाउनलोड और एडिट. साथ ही इसमें GPU एक्सेलरेशन का फीचर भी है जिससे कि कन्वर्जन 40% फास्ट हो सकता है. कन्वर्ट ऑप्शन से तुम किसी भी ऑडियो या वीडियो फाइल को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो. फाइल को कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें उसे सिंपली ड्रैग या ऐड करना होगा. चाहे तो तुम ऑडियो ट्रैक को रिमूव या डिफरेंट ऑडियो ट्रैक्स भी ऐड कर सकते हो. कन्वर्टेड फॉर्मेट के ऑप्शन से तुम वीडियो को MP4, MKV, M4V और AVI के साथ ही काफी सारे डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो. साथ ही इसमें MP3, M4A और वेव के साथ बहुत सारे ऑडियो फॉर्मेट्स भी है. इसके अलावा तुम Apple से लेकर Android तक किसी भी डिवाइस और YouTube से लेकर Instagram तक किसी भी सोशल मीडिया ऐप के लिए फॉर्मेट चूज कर सकते हो. कन्वर्ट होने के बाद फाइल कन्वर्टेड सेक्शन में आ जाएगी जहां से हम इजीली रिजल्ट देख सकते हैं. डाउनलोड ऑप्शन से तुम 1000 से भी ज्यादा वेबसाइट से फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो और एडिट ऑप्शन से कन्वर्टेड फाइल्स को कट या फिर मर्ज कर सकते हो. साथ इसमें फ्यूचर में और भी नए फंक्शंस आने वाले हैं और अभी परचेज करने पर तुम्हें 30% तक ऑफ मिल सकता है. तो जाओ जाकर हिटपॉ वीडियो कन्वर्टर डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. स्पॉन होती हमने घास तोड़कर सीड्स इकट्ठा किए और हमें मिले टोटल 3 सीड्स. उसके बाद हमने डर्ट इकट्ठा करके एरिया को बड़ा किया. उसके बाद हमने पेड़ काटा और शायद राम रहीम जी का आशीर्वाद हमारे साथ था क्योंकि उस पेड़ से हमें 3 सैपलिंग्स और एक सेब मिल गया. फिर हमने लावा और वाटर बकेट से कोबलस्टोन जनरेटर बनाया और पिकैक्स बनाकर कोबलस्टोन इकट्ठा करना शुरू कर दिया. साथ ही हमने सीड्स को भी फार्म कर दिया क्योंकि खाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक सेब था और पूरी रात तक सिर्फ कोबलस्टोन माइन किया. डे 2 पर कोबलस्टोन से स्लैब बनाकर हम गए दूसरे आइलैंड की तरफ जो था एक स्वैम्प आइलैंड. उस आइलैंड से हमें पानी मिल गया जिसका यूज करके हम इनफाइनाइट वाटर सोर्स बना सकते थे. घर आकर हमने आइलैंड के नीचे से डर्ट इकट्ठा करने के लिए कोबलस्टोन प्लेस किया ताकि कोई भी डर्ट का ब्लॉक नीचे ना गिर जाए क्योंकि स्काई ब्लॉक में डर्ट डायमंड से भी ज्यादा कीमती है. इसके साथ ही हमने आइलैंड को भी एक्सपेंड कर दिया और रात तक हमारे पेड़ भी ग्रो हो गए. तो लॉग जलाकर हमने टॉर्चेस बना दी. सभी पेड़ों को काटने के बाद हमें 10 सैपलिंग्स मिली और नेक्स्ट डे तक हमने फिर से कोबलस्टोन माइन किया. नेक्स्ट डे हमने दोबारा एरिया एक्सपेंड किया और सभी सैपलिंग को फार्म किया. उसके बाद हमने एक बार फिर से काफी देर तक कोबलस्टोन इकट्ठा किया और डे 4 तक हमारे पास काफी सारा कोबलस्टोन हो गया था. गेम खेलते हुए डे 4 भी शुरू हो गया था लेकिन अभी तक हमारे पास एक भी बेड नहीं था. तो हमने एक मॉब फार्म बनाने का सोचा क्योंकि उससे हमें इजीली स्ट्रिंग मिल सकती थी जिससे हम अपने लिए बेड बना सकते थे और इसके साथ ही हमें मॉब फार्म से और भी काफी सारी जरूरत की चीजें मिल सकती थी. तो डे 4 पर हमने मॉब फार्म बनाना शुरू किया. रात को नीचे आते मैं पानी में ही फंस गया. हमारी हंगर बार काफी कम हो गई थी लेकिन इस आइलैंड की तरह ही हमारी गरीबी भी आसमान में थी क्योंकि खाने के नाम पर हमारे पास सिर्फ एक वीट थी. कोई मॉब हमें मारे ना मारे, हम भूख से जरूर मर जाएंगे. हम मॉब फार्म पर टॉर्चेस लगाना भूल गए थे तो थोड़ी देर में ही वहां पर बहुत सारे खून के प्यासे प्राणी स्पॉन हो गए. तो हमें मॉब फार्म पर ब्लॉक्स लगाकर उसे बंद करना पड़ा. उसके बाद हमने फिर से पेड़ काटे और सामने एक जंगल आइलैंड भी था और आइलैंड से जो पानी गिर रहा था उसमें बहुत सारे चमकीले स्क्विड स्पॉन हो रहे थे. फिर हमने रास्ते में टॉर्चेस लगाई और थोड़ी देर में ही सुबह हो गई. डे 5 पर हम जंगल आइलैंड पर पहुंचे जहां से हमें तरबूज और कोकोआ सीड्स मिले और पेड़ काटकर हमें एक जंगल सैपलिंग भी मिली. तो वाटरमेलन से हमने सीड्स बनाए और उन्हें भी फार्म कर दिया. उसके बाद हमने दोबारा मॉब फार्म पर काम चालू किया.
मॉ फार्म पर काम करने के बाद हमने एक बार फिर से कोबलस्टोन माइन किया। नेक्स्ट डे हमने थोड़े और पेड़ लगाए और दोबारा माइनिंग कंटिन्यू की, क्योंकि मॉ फार्म के लिए ब्लॉक्स कम पड़ गए थे और हमने कोबलस्टोन फार्म को डबल कोबलस्टोन फार्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम ज्यादा स्पीड में ब्लॉक्स इकट्ठा कर सके। साथ ही हमने इन्फानाइट वाटर सोर्स भी बनाया और उसके साथ ही सीड्स भी फार्म कर दिए। तो कोकोआ बीन और वीट का यूज करके हमने खाने के लिए कुकीज बनाई। उसके बाद हमने फार्म के लिए सामान इकट्ठा किया और दोबारा काम शुरू कर दिया। हम मॉ फार्म पर काम कर ही रहे थे लेकिन तभी हमें वो प्यारी आवाज सुनाई दी। राम रहीम जी के चेले हमारा पीछा करते करते नेदर ओनली वर्सेस स्काई ब्लॉक में आ गए थे और उन्होंने इस पार्क को हाफ आर्ट पर पहुंचा दिया। खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था और हाफ आर्ट पर बाहर जाना आत्महत्या की तरह था, तो पूरी रात पार्क मॉ फार्म में रहा और मैं ट्री फार्म पर। नेक्स्ट डे मॉ फार्म के ऊपर गए और हमें वहां पर स्केलेटन भाई की अस्थियां मिली जिसे बोन मिल बनाकर हमने वीट को ग्रो किया। फिर हमने कोबलस्टोन फार्म से डर्ट इकट्ठा किया और उस पर वीट लगाया। उसके बाद हमने दोबारा खाने के लिए कुकीज बनाई और मॉ फार्म पर काम शुरू किया। लेकिन एक बार फिर से राम रहीम जी के चेलों ने हम पर हमला कर दिया, तो पूरी रात हमें उनसे छुपकर रहना पड़ा। हम फिर से मॉक फार्म पर टॉर्चेस लगाना भूल गए थे और पानी के अंदर त्रिशूल वाले ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे। उससे फाइट करते हुए हम मरते मरते बचे, लेकिन उन्हें मारकर हमें क्ले और कॉपर मिल गया। मॉक फार्म के अंदर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए थे तो हम वापस जाने लगे, लेकिन स्केलेटन भैया को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आया था तो वो हमारा पीछा करते करते फार्म से बाहर ही आ गए। लेकिन जैसे तैसे हमने उन्हें मार ही दिया। साइड में ब्लॉक प्लेस करके हम ऊपर गए और क्योंकि अंदर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए थे तो हमने ऊपर प्लेस किए ब्लॉक्स को हटा दिया ताकि हमें फालतू की मेहनत ना करनी पड़े और वो डे लाइट से ही मर जाए। उसके बाद हमने दोबारा मॉब फार्म पर काम कंटिन्यू किया। फाइनली रात तक काम कंप्लीट हो गया और मॉब फार्म हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर रहा था, तो सुबह तक हम मॉब्स को मारते रहे। मॉब मारकर हमें काफी सारी स्ट्रिंग, एक आलू और आयरन भी मिला। स्ट्रिंग से हमने 3 वूल बनाए जिससे हम बेड बनाएंगे। इसके अलावा हमें काफी सारे ज़ॉम्बीज़ के टुकड़े मिले, तो अब हमारे पास खाने की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई थी। हमें कुछ टूटी फूटी बोज भी मिली थी तो हमने उन्हें जोड़कर रिपेयर कर दिया। थोड़ी देर बाद ही फार्म में एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ तो हमने उसे बाहर निकाल कर बोर्ड में कैप्चर कर दिया। फिर हमने चारों तरफ से ब्लॉक्स लगाकर उसे बंद कर दिया और हमारे पास फिर से 3 वूल बनाने लायक स्ट्रिंग्स इकट्ठा हो गई थी, तो वूल बनाकर हमने फाइनली दूसरा बेड भी बना दिया और एक बेड का कलर हमने डाई की हेल्प से चेंज कर दिया। उसके बाद हमने फिर से काफी सारे मॉब्स को मारा और रात के टाइम उस वर्ल्ड में हम पहली बार सोए। डे 11 पर काफी सारे ट्रीज ग्रो हो गए थे। मॉब फार्म से मिली स्केलेटन भाई की अस्थियों से हड्डियों से हमने बोन मील बनाया और काफी सारी फसल ग्रो की। फिर हमने थोड़ी देर तक कोबलस्टोन माइन किया। उसके बाद काफी देर तक मॉब्स मारे और मॉब फार्म में एक और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ था, लेकिन कैप्चर करने की जगह हमने गलती से उसे टपका दिया। उसके बाद हमने फिर से बोन मिल से फसल ग्रो की, उसे ब्रेड बनाई और रात तक मॉब्स मारे। हमारे पास डर्ट काफी कम था तो डे 12 पर जंगल और स्वाम्प आइलैंड पर जाकर हमने सारा डर्ट इकट्ठा कर दिया और हमारे पास ग्रास का सिर्फ एक ब्लॉक बचा था, तो हमने उस ब्लॉक के साथ काफी सारे डर्ट ब्लॉक्स लगा दिए ताकि उन सभी पर भी ग्रास स्प्रेड हो सके। लेकिन तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, स्पार्क और फ्लेम आखिर ग्रास ब्लॉक से होगा क्या? तो क्योंकि स्काई ब्लॉक में हमें जानवर नहीं मिलते, वैसे विलेजर्स तो मिलते हैं बट एनीवेज, तो जानवर स्पॉन करने के लिए हमें ग्रास ब्लॉक का प्लेटफॉर्म बनाना होगा ताकि उस पर खाना प्यारे प्यारे जानवर स्पॉन हो सके। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ग्रास स्प्रेड होते हुए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो पता नहीं हम कब मीट खा सके कब जानवर पाल सकेंगे। फिर हमने पूरी रात तक सिर्फ कोबलस्टोन माइन किया। नेक्स्ट डे हमने सारे पेड़ काट दिए और वुड्स एरिया एक्सपेंड किया। साथ ही हमने काफी सारा कोबलस्टोन भी माइन किया और फार्म के साथ एक खेत बनाकर उसमें सीड लगाए, फिर बोन मिल से उन्हें ग्रो किया। डे 14 पर हमने सबसे पहले मॉब्स मारे, फिर फसल काटी। मॉब फार्म से हमें एक आलू भी मिला था तो एक बार फिर से बोन मिल का यूज करके हमने काफी देर तक आलू इकट्ठा किए और फिर उन्हें पका दिया। बची वीट और कोकोआ सीड्स हमने एक बार फिर से कुकीज बनाई और एक चेस्ट बनाकर उसमें खाने का सारा सामान रख दिया। और फाइनली हमारा सालों पहले लगाया हुआ तरबूज भी आखिरकार ग्रो हो ही गया, तो उसे काट कर हमने चेस्ट में रख दिया क्योंकि अगर हमने उसे फिर से ग्रो करने के लिए लगाया तो वो 100 डेज के बाद ही ग्रो होगा और खाने में उतना ही काम आएगा जितना हमारी बुक्स एग्जाम में आती है। और इन सभी चीजों के साथ ही हम एरिया को भी एक्सपेंड करते रहे। फिर हमने दोबारा पेड़ काटे और लॉक से चारकोल बनाने के लिए लगाया। अब हमारा एरिया पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। नेक्स्ट डे हमने खेत के साथ इनफाइनाइट वाटर सोर्स बनाया और फाइनली हमारे लगाए हुए ब्लॉक्स पर ग्रास स्प्रेड हो रहा था, तो साइड वाली डर्ट निकाल कर हमने उसे भी दूसरी तरफ लगा दिया ताकि उस पर भी ग्रास स्प्रेड हो सके। फिर हमने काफी देर तक मॉब मारे और इस बार हमें 4 आयरन मिला। अब हमारे पास खाने के लिए भी काफी सारा सामान हो गया था। उसके बाद हमने पूरे एरिया पर टॉर्च लगाई और साथ में ट्री फार्म के लिए एक नई जगह बनाना शुरू किया।
इसके अलावा हमने खेत के साथ ही शुगर केन भी फार्म कर दिया। डे 16 पर हमने ट्रीज की पुरानी जगह से डर्ट इकट्ठा किया और नई जगह पर लगा दिया। उसके बाद हमने फिर से जादुई पाउडर का यूज करके आलू ग्रो किए और हमारा खेत कुछ ज्यादा ही स्पेस ले रहा था, तो हमने वहां से पूरे खेत को रिमूव किया और नेक्स्ट डे साइड में नया खेत बनाया। इसके साथ ही हमने शुगर केन को कोबलस्टोन फार्म के साथ लगा दिया। फिर हमने कोबलस्टोन फार्म के साथ लगाई हुई फसल को हटा दिया और वहां की सारी डर्ट को कलेक्ट किया। हमारा सारा कोबलस्टोन खत्म हो गया था, तो डे 19 पर हमने पूरे दिन कोबलस्टोन माइन किया। उसके बाद हमने फाइनली एक नेदर पोर्टल बनाया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं था। लेकिन डरो मत, पोर्टल एक्टिवेट करने का एक और तरीका है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये स्काई ब्लॉक है और स्काई ब्लॉक में छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, तो पोर्टल एक्टिवेट करने के लिए हम कोबलस्टोन फार्म वाले लावा से लेकर पोर्टल तक वुड प्लेस करेंगे। थोड़ी देर बाद लावा के पास वाली वुड में आग लग जाएगी और वो आग धीरे धीरे फैलकर पोर्टल के पास पहुंच जाएगी और पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम पोर्टल एक्टिवेट होने का वेट करने लगे, लेकिन काफी टाइम तक वेट करने के बाद भी वो आग पोर्टल तक नहीं पहुंच पा रही थी। और तभी हमें ध्यान आया कि हम इतनी सारी वुड लगाने की जगह डायरेक्ट लावा को पोर्टल के पास भी रख सकते थे। तो हमने लावा को पोर्टल के पास रखा और थोड़ी देर में ही पोर्टल में आग लग गई और पोर्टल एक्टिवेट नहीं हुआ। हमारी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है। फिर हमने पोर्टल में वुडन स्लैब प्लेस की और थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली पोर्टल एक्टिवेट हो ही गया। शाम के टाइम हमें दर्शन दिए ट्रेडर भाई ने, पर हर बार की तरह इस बार भी वो कचरा ही लाया था। नेक्स्ट डे हमने लेट के लिए ट्रेडर भाई के लामा को मार दिया, लेकिन इस बार हमने दया करके ट्रेडर भाई को जिंदा छोड़ दिया। उसके बाद हम आखिरकार नेदर में गए, लेकिन हमें नेदर में दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो हम घर वापस आ गए। पूरा दिन हमने ज़ॉम्बीज को मारा और फार्म में तो ज़ॉम्बी विलेजर्स भी स्पॉन हुए थे, जिन्हें हमने बोट में बैठा कर कैप्चर कर दिया। लेकिन एक ज़ॉम्बी के साथ चुड़ैल दीदी भी बोट में बैठ गई, तो नेक्स्ट डे मैरोज़ की हेल्प से उसे मारने लगे। लेकिन शायद ट्रेडर भाई की किस्मत में सिर्फ मरना ही लिखा है। विच को मारने के बाद हमने गन्ने फार्म किए। विलेजेस को क्योर और पिगलिन से ट्रेड करने के लिए हमें गोल्ड की जरूरत थी, तो हम दोबारा नेदर में गए और वहाँ पर एक गोल्ड फार्म बनाना शुरू किया। ज्यादा चीजें ना होने की वजह से हम सिंपल सा फार्म ही बना पाए, लेकिन फिर भी वो फार्म काफी अच्छे से काम कर रहा था। उस फार्म में एंडरमैन भी स्पॉन हो रहे थे और उन सभी मॉब्स को मारकर हमें एंडर पर्ल्स और क्राइंग ऑब्सिडियन मिला। काफी देर तक हमने मॉब्स मारे और फिर घर वापस आ गए, और पूरे दिन मॉब्स मारने के बाद हमने टोटल 7 गोल्ड इकट्ठा किया। उसके बाद हमने डे 25 तक सिर्फ कॉबल इकट्ठा किया और हमारे पास काफी सारा कॉबल हो गया था। इसके साथ ही हमारे पास खाने के लिए काफी सारे आलू भी थे। फिर हमने काफी सारे पेड़ काटे और ग्रास स्प्रेड करने के लिए और ब्लॉक्स लगाए ताकि साइड पर मीट क्यूट क्यूट जानवर स्पॉन हो सके। डे 26 पर हम वापस नेदर में गए। काफी देर तक माउस मारने के बाद हम वापस घर आए और हमें टोटल 16 गोल्ड मिला। साथ में हमारे पास बहुत सारी गोल्ड स्वॉर्ड भी हो गई थी, तो उनके लिए हमें एक अलग चेस्ट बनानी पड़ी और बचे हुए दिन हमने मॉब्स को मारा। नेक्स्ट डे हम एक और बार नेदर में गए। थोड़ी देर मॉब मारने के बाद हमने गोल्ड डिगर पिगलिन भैया से ट्रेड किया और ट्रेड करके हमें टोटल 57 ग्रेवल मिला। ग्रेवल को डर्ट के साथ मिक्स करके हम ज्यादा डर्ट बना सकते थे, तो घर वापस आकर हमने ग्रेवल और डर्ट से कोरस डर्ट बनाई। डे 28 पर हमने डर्ट प्लेस करके जानवर स्पॉन करने की जगह को एक्सपेंड किया, लेकिन उस ग्रास को स्प्रेड होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। फिर हमने खेत से सारा डर्ट इकट्ठा किया और नई जगह पर खेत बनाया। डे 29 पर हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, शायद हमने सिर्फ मॉब्स को मारा था और दिन के एंड में कोबलस्टोन इकट्ठा किया था। नेक्स्ट डे हम नेदर में नया आइलैंड ढूंढने गए। काफी देर तक हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्लैब प्लेस करते रहे और फाइनली हमें सोल सैंड आइलैंड मिला, जहां से हमने बोन ब्लॉक और सोल सैंड इकट्ठा किया। और शायद हमारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी, क्योंकि वापस आते हुए हमें एक फोर्ट्रेस मिल गई। उसके अंदर जाकर हमें वहां से ग्लो स्टोन, सोल सैंड और काफी सारा नेदर वॉट मिला, और उस फोर्ट्रेस के ऊपर ही एंड पोर्टल भी था। लेकिन अभी हम अंदर जाने की हालत में नहीं थे, तो ड्रैगन से फाइट हम बाद में करेंगे। फिर हम वापस फार्म की तरफ आ गए और काफी देर तक पिगलिन मारे। फिर हम घर वापस आ गए एंड गेस व्हाट, हमने क्या किया, फिर से मॉब मारे। इस वीडियो का टाइटल हमें 100 डेज स्काई ब्लॉक की जगह 100 डेज तक मॉब मारना रख देना चाहिए। डे 32 पर हमने सबसे पहले सामान सॉर्ट किया, फाइनली ग्रास स्प्रेड होकर प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई, तो हमने एक्स्ट्रा ग्रास को हटा दिया और पूरा दिन गोल्ड स्वॉर्ड के गोल्ड नगेट बनाए। नेक्स्ट डे तक हमारे पास 20 इंगर्स हो गए थे, लेकिन 3 सोने की सेब बनाने के लिए हमें 7 गोल्ड इंगट और चाहिए थे। तो यस, एक और बात, विलेजेस को हील करने के लिए हमें पोशन भी चाहिए था, जिसके लिए हमें चाहिए थी ब्लेज रॉड्स। तो हम गए फोर्ट्रेस के पास ब्लेज रॉड इकट्ठा करने, लेकिन ब्लेज भाई फोर्ट्रेस के बाहर स्पॉन हो गए, तो एरोस से हम उन्हें मारने लगे, लेकिन ब्लेज की जगह एरो कहीं और ही लग गया, लेकिन हम जिंदा बच गए। ब्लेज मारकर हमें एक ब्लेज रॉड मिली। उसके बाद हमने काफी देर तक वेट किया, लेकिन कोई ब्लेज स्पॉन ही नहीं हुआ, तो हम वापस घर आ गए। डे 34 पर हमने फिर से मॉब्स मारे और फिर फाइनली 3 गोल्डन एप्पल्स बनाए। उसके बाद हमने नेदर वॉट फार्म किया और फिर से ब्लेज रॉड्स के लिए नेदर में गए। सबसे पहले हमने फोर्ट्रेस वाले रास्ते पर डबल लेस लगाई ताकि हम नीचे ना गिरे। फोर्ट्रेस के पास पहुंचते ही सामने हमें एक ब्लेज दिखा, तो फायर रेजिस्टेंस का पोशन पीकर हमने उसे मार दिया, लेकिन उसने मरने पर कुछ भी ड्रॉप नहीं किया। फोर्ट्रेस के अंदर कुछ ब्लेज स्पॉन हुई थी, तो हम फोर्ट्रेस में गए, पर ब्लेज के साथ वहां पर ज़ॉम्बी पिगलिन और विदर स्केलेटन्स भी थे, तो उन्हें मारते हुए हमें काफी ज्यादा टाइम लग गया।
सारी ब्लेज मारने के बाद हमें 4 ब्लेज रॉड मिली जो कि पोशन बनाने के लिए काफी थी। पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए हमें फर्मेंटेड स्पाइडर एग भी चाहिए थी, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए थी मशरूम। सामने ही एक मशरूम आइलैंड था तो हम गए उस आइलैंड की तरफ। मशरूम इकट्ठा करके हम वापस आए। विच मारकर हमें ग्लास बॉटल्स मिली थी तो उनका यूज करके हम पोशन बनाने लगे। लेकिन गलती से हमने ऑकवर्ड पोशन क्रिएट कर दिया। हम कोई नूब नहीं है गाइस, ये तो सिर्फ गलती से हो गया। फिर हमने फाइनली पोशन ऑफ वीकनेस बनाया और फिर पोशन और गोल्डन एप्पल्स का यूज करके ज़ॉम्बी विलेजर्स को क्योर किया। लेकिन उन्हें क्योर होते हुए थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो उतने टाइम में हमने वही किया जो अभी तक हम इस वीडियो में कर रहे हैं, ज़ॉम्बीज की कुटाई। थोड़ी देर में ज़ॉम्बीज क्योर भी हो गए तो फार्म से हमने उन्हें दूसरी जगह पर मूव कर दिया। उसके बाद मॉब फार्म से सामान लाकर उसे सॉर्ट किया। फार्म से हमें 2 टूटी हुई आयरन स्वॉर्ड भी मिली थी तो हमने उन्हें कंबाइन कर दिया और हमारे पूरे डर्ट प्लेटफॉर्म पर ग्रास स्प्रेड हो चुकी थी। लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक वहां पर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं हुआ था, तो हमने डर्ट प्लेटफॉर्म को नीचे वार्ड में बनाने का सोचा क्योंकि लोअर लेवल पर ज्यादा मॉब स्पॉन होते हैं। पानी और लावा का यूज करके हमने नीचे की तरफ एक टावर बनाया, बट क्योंकि हम 1.18 में खेल रहे हैं तो टावर Y1 की जगह -64 पर चला गया जो कि कुछ ज्यादा ही नीचे था। विलेजेस रखने के लिए हमें एक जगह चाहिए थी तो Day 38 पर हमने उनके लिए घर बनाना शुरू किया। हमने डट का प्लेटफॉर्म तो बना दिया लेकिन ग्रास ना होने की वजह से अभी तक उस पर मॉब स्पॉन नहीं हो रहे थे, तो ग्रास स्प्रेड करने के लिए हमें ग्रास ब्लॉक को नीचे प्लेटफॉर्म तक ले जाना था ताकि उस पूरे प्लेटफॉर्म पर ग्रास स्प्रेड हो सके। लेकिन जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था, ये है स्काई ब्लॉक और स्काई ब्लॉक में छोटी छोटी चीजें करने के लिए बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, तो ग्रास ब्लॉक को नीचे ले जाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस थे। पहला और सबसे आसान ऑप्शन था कि सिल्क टच की हेल्प से ग्रास ब्लॉक को कलेक्ट करके उसे नीचे प्लेस करना, पर हमारे पास सिल्क टच थी ही नहीं। दूसरा ऑप्शन था ऊपर से लेकर नीचे तक डर्ट की स्टेस बनाना ताकि उस डर्ट से ग्रास स्प्रेड होकर नीचे पहुंच सके, पर प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा नीचे था और ना ही हमारे पास उतने डर्ट ब्लॉक्स थे। और तीसरा और फाइनल ऑप्शन था पिस्टन बनाकर ग्रास ब्लॉक को नीचे धकेलना। मॉब फार्म से हमें 2 रेडस्टोन मिला था तो उसका यूज करके हमने एक पिस्टन बनाई। लेकिन ब्लॉक नीचे ले जाने से पहले हमें और भी काफी सारा सामान चाहिए था, तो डे 41 से 42 तक हमने सामान इकट्ठा किया। नेक्स्ट डे हमने ग्रास ब्लॉक नीचे ले जाना शुरू किया और क्योंकि प्लेटफॉर्म कुछ ज्यादा ही नीचे था तो इस काम में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। लेकिन ब्लॉक नीचे ले जाते हुए एक दुर्घटना हो गई, गलती से पिस्टन नीचे गिर गई। बट डोंट वरी, डरने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि हमारे पास एक और स्टोन थी तो उससे हमने एक नई पिस्टन बना दी। नई पिस्टन के साथ हम दोबारा ब्लॉक को नीचे ले जाने लगे। लेकिन पता नहीं कैसे पर थोड़ी देर बाद दूसरी दुर्घटना भी हो गई और वो पिस्टन भी नीचे गिर गई तो हमें वापस ऊपर आना पड़ा। इसके साथ ही अब हमारे पास रेस्टोन भी नहीं था तो हम पिस्टन भी नहीं बना सकते थे। इन सभी दुर्घटनाओं को झेलने के बाद हमें इतना ज्यादा गुस्सा आया कि पूरा दिन हमने मॉब्स को बुरे तरीके से मारा, बहुत ही बुरे तरीके से। डे 45 से लेकर 47 तक हम सिर्फ मॉब्स ही मारते रहे इस उम्मीद में कि शायद हमें रेस्टोन मिल जाए। लेकिन हमें उतनी ही रेस्टोन मिली जितने हमें एग्जाम में मार्क्स मिले थे। डे 48 पर आखिरकार विलेजर्स का कैद खाना विलेजर्स का ठिकाना कंप्लीट हो ही गया। उसके बाद हमने फिर से रेस्टोन के लिए काफी सारे मॉब्स को मारा लेकिन इस बार भी हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन एटलीस्ट अब जानवरों का कैदियों का विलेजर्स का घर तैयार हो गया था, पर उनके लिए हमें बेड्स भी चाहिए थे तो मॉब फार्म से स्ट्रिंग कलेक्ट करके हमने वूल बनाई और उसे 10 बेड बनाकर उन्हें घर में प्लेस कर दिया और फिर एक एक करके सभी विलेजर्स को अंदर ले गए। और अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो जरूर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही होगी। और पता है एक और चीज क्या जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी? हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट। हम इंस्टाग्राम पर 10K फॉलोअर्स के काफी ज्यादा क्लोज हैं, तो हो सके तो हमें वहाँ पर फॉलो कर देना। हमारे पास 3 विलेजर थे जिनमें से एक को हम क्लैरिक और दूसरे को फ्लेचर बनाने वाले थे। लेकिन फ्लेचर और क्लैरिक बनाने के लिए हमें ब्रूइंग स्टैंड और फ्लैचिंग टेबल चाहिए था। ब्रूइंग स्टैंड के लिए हमारे पास ब्लेज रॉड तो थी लेकिन फ्लैचिंग टेबल बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फ्लिंट था, तो बचे हुए फ्लिंट से हमने फ्लिंट एंड स्टील बना दिया और बेस के ऊपर बचे हुए पेड़ का हिस्सा जला दिया। उसके बाद हम नेदर में गए ताकि पिगलिन भैया से ट्रेड करके हम ग्रेविल इकट्ठा कर सके। डे 50 तक हमने गोल्ड के लिए काफी सारे मॉब्स मारे और फिर फाइनली गोल्ड ट्रेड किया और इस बार पिगलिन भैया ने हमें गोल्ड के बदले 4 एंडर पर्ल, क्वार्ट्स और 14 ग्रेविल दिया। नेक्स्ट डे हमने ग्रेवल से फ्लिंट इकट्ठा किया और फ्लैचिंग टेबल बनाया, फिर अंदर जाकर विलेजर्स को क्लैरिक और फ्लैचर की जॉब दी और साथ में उन्हें गाजर भी दी ताकि, और विलेजर्स को गाजर देते ही एक छोटा विलेजर स्पॉन भी हो गया। अब विलेजर भाई तो हमारे इंटरनेट से भी ज्यादा तेज है। थोड़ा ग्रेवल बच गया था तो उसे डर्ट के साथ मिक्स करके हमने और कोरस डर्ट बनाई और फार्म एक्सपेंड किया और दिन के एंड में सामान सॉर्ट किया। हमारे पास काफी सारी रोटेन फ्लैश थी तो हमने उस सभी को क्लैरिक से ट्रेड किया और क्लैरिक के एमराल्ड के बदले 2 रेडस्टोन बेच रहा था तो हमने जल्दी से रेडस्टोन खरीद लिया। फाइनली अब हम फिर से पिस्टन बना सकते हैं, बस इस बार भी कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो हमने रेडस्टोन से पिस्टन बनाई और फिर से ग्रास ब्लॉक को नीचे ले जाना शुरू किया। इसी काम में हमारा पूरा दिन लग गया। नेक्स्ट डे तक हमने फाइनली ग्रास ब्लॉक को नीचे तक पहुंचा ही दिया, साथ ही हमने प्लेटफॉर्म में थोड़ी और डर्ट प्लेस कर दी। फिर हमने ऊपर वाले प्लेटफॉर्म से सारी डर्ट कलेक्ट की। नेक्स्ट डे हमने दिन की शुरुआत कत्ल के साथ मॉब्स मारने के साथ की।
फिर हमने नीचे जाकर डर्ट के साथ प्लेटफॉर्म बनाया ताकि वहाँ पर टेस्टी टेस्टी प्यारे प्यारे जानवर स्पॉन हो सके। लेकिन उसके लिए हमें काफी वेट करना होगा क्योंकि ग्रास स्प्रेड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। साथ ही हमने ऊपर वाली जगह को भी थोड़ा एक्सपेंड किया लेकिन वहाँ पर अभी हम कुछ नहीं बनाएंगे। इसके अलावा हमने बोन मिल का यूज करके गाजर उगाई। डे 56 तक हमारे पास काफी सारी गाजर हो गई थी तो गाजर लेकर हम गए विलेजर्स के पास और अब हमारे पास 5 विलेजर हो गए थे तो हमने सभी विलेजर्स को गाजर दे दी ताकि हमें और भी काफी सारे नन्हे मुन्ने नौकर नन्हे मुन्ने विलेजर मिल सके। उसके बाद हमने ट्री फार्म पर एक्स्ट्रा पेड़ों के लिए डर्ट लगाई और नीचे प्लेटफॉर्म पर ग्रास पेड़ होना भी शुरू हो गया था। अब वो दिन भी दूर नहीं जब हम भी पका हुआ मांस खा पाए जानवरों को घास खिला पाएंगे। उसके बाद एक विलेजर चालाकी करके हॉल से भागने लगा लेकिन हमने उसे बोट में कैप्चर कर दिया। हमारे पास कुछ रोटन फ्लैश बच गए थे तो उसे हमने क्लैरिक से ट्रेड कर दिया और दिन के एंड में हमने पापी आत्माओं को मुक्ति दी। डे 57 की शुरुआत में भी हमने पापी आत्माओं को मुक्त किया और एक पापी आत्मा को हमने फार्म से निकालकर बोर्ड में बैठा दिया जिसका यूज हम विलेजर्स को डराने के लिए करेंगे ताकि वो आयरन गोलम स्पॉन करे और उन्हें मारकर हमें ढेर सारा आयरन मिल सके। साथ ही हमने एक्सपेंड किए हुए एरिया के लिए गेट्स भी बनाए। रात के टाइम हम जॉम्बी को हॉल के पास ले गए ताकि उसके अंदर से विलेजर जॉम्बी को देखकर डर सके। नेक्स्ट डे हम बाहर वाले विलेजर को अंदर ले गए। अंदर काफी सारे विलेजर स्पॉन हो गए थे और एक विलेजर फिर से हॉल से भाग गया तो हमने उसे भी कैप्चर करके बोर्ड में बैठा दिया। फिर हमने रोटन फ्लैश ट्रेड की और उसके बाद एक ग्राइंडस्टोन बनाया ताकि हम किसी विलेजर को वेपन स्मिथ बना सके। तो हमने हॉल के अंदर ग्राइंडस्टोन प्लेस किया और वेपन स्मिथ की जॉब में विलेजर उतना ही शौक रखते थे जितना कि हम पढ़ाई में रखते हैं, मतलब जीरो। लेकिन काफी टाइम तक वेट करने के बाद आखिरकार एक विलेजर वेपन स्मिथ बन ही गया और वो एक एमरल्ड के बदले एक एक्स बेच रहा था। लेकिन थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद वो आयरन स्वॉर्ड बेचने लगा जिस पर स्माइट 3 और अनब्रेकिंग थी। उसके बाद हमने एक स्मिथिंग टेबल बनाया और अब हमारे पास एक टूल स्मिथ भी था। नेक्स्ट डे हमने टूल स्मिथ से हो खरीद कर उसे लेवल अप किया लेकिन हमारा कट गया क्योंकि वो टूल्स की जगह एमरल्ड और घंटी बेच रहा था। फिर हमने फाइनली 2 आयरन स्वॉर्ड खरीदी और बेकार सामान को लावा में फेंक दिया और मॉब फार्म पर जाकर उन स्वॉर्ड को टेस्ट किया। फाइनली नीचे प्लेटफॉर्म पर एक काउ स्पॉन हुई थी जिसे देखकर खुशी से हमारे मुंह में पानी हमारी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसे ऊपर लाने के लिए हमें अभी भी काफी काम करने पड़ेंगे। डे 60 पर ट्रेडिंग हॉल से अब एक बच्चा भाग गया और विलेजर ने आयरन गोलम के सिवा हर एक टाइप की बिल्ली स्पॉन कर दी थी। पता नहीं चल क्या रहा है बट एनीवेज फिर हमने एक ब्लास्ट फर्नेस बनाई और उसकी हेल्प से हमने एक विलेजर को आर्मरर बनाया। फिर हमने उसे एक चेस्ट प्लेट खरीदी लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक एमरल्ड बचा था। डे 61 पर हमने सबसे पहले थोड़ी ट्रेडिंग की और अब एक और विलेजर वहां से भाग गया। इस बार हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आया था तो हम उसे मारने वाले थे लेकिन वो विलेजर कुछ ज्यादा ही चालाक था और उसने नेदर में एस्केप कर दिया। फिर हमने ट्री फार्म में पेड़ लगाए और नेदर में हमें एक अनोखा नजारा देखने को मिला। पता नहीं कैसे पर वहाँ पर कुछ ज्यादा ही बिल्ली थी और वो भागा हुआ कैदी वो भागा हुआ विलेजर भी वहीं पर था तो हमने उसे बोट में कैप्चर कर दिया। वैसे तो हम उसे मारने वाले थे लेकिन उसके साथ एक जॉम्बी पिगलिन बैठ गया तो हमने उसे जिंदा छोड़ दिया लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। उसके बाद हमने काफी देर तक मॉब्स मारे और फिर हम फाइनली विलेजर को नीचे फेंकने लगे लेकिन वो फिर से पोर्टल का यूज करके भाग गया। उसके बाद हमने फिर से थोड़ी देर तक मॉब्स मारे और वापस घर आ गए। नेक्स्ट डे प्लेटफॉर्म पर एक घोड़ा स्पॉन हुआ था और वो विलेजर अभी तक खुले में घूम रहा था तो हमने उसे फिर से बोट में कैप्चर कर दिया। उसके बाद हमने क्लैरिक के साथ ट्रेडिंग की और फाइनली एक आयरन गोलम भी स्पॉन हो ही गया लेकिन पता नहीं क्यों पर वो छत के ऊपर था तो नीचे गिराकर हमने उसे और ऊपर पहुंचा दिया और हमें उसे 5 आयरन मिला। उसके बाद हमने काफी देर तक पेड़ काटे और फ्लेचर को लकड़ी बेची और आखिरकार उस चालाक विलेजर को उसके पापों की सजा दी। फाइनली प्लेटफॉर्म पर जानवर स्पॉन होना शुरू हो गए थे। अब बस उन्हें ऊपर लाना बचा था लेकिन ये काम भी आसान नहीं होने वाला था क्योंकि ये है स्काई ब्लॉक और स्काई ब्लॉक में छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े बड़े जानवरों को ऊपर लाने के लिए हमें वाटर एलिवेटर बिल्ड करनी थी बट क्योंकि प्लेटफॉर्म काफी नीचे था तो इस काम में बहुत सारा कोबलस्टोन लगने वाला था। तो डे 63 से 64 तक हमने कोबलस्टोन माइन किया और साथ में हम ट्रीज भी काटते रहे। अब हमारे पास काफी सारा मटेरियल हो गया था तो फाइनली अब हम एलिवेटर बना सकते थे लेकिन उससे पहले हमने कोबलस्टोन फार्म से गन्नों को हटाया और हमारे पास कुछ जंगल सैंपलिंग भी थी तो हमने सोचा क्यों ना हम इन्हें अपने एरिया के कॉर्नर्स पर लगा दे ताकि हमारा सुंदर आइलैंड और भी ज्यादा सुंदर लगे। तो कोने पर सैंपलिंग लगाकर हमने उन्हें ग्रो किया लेकिन वो पेड़ कुछ ज्यादा ही छोटा था तो हमने उसे हटा दिया। कोई बात नहीं, पेड़ हम बाद में लगा देंगे।
उसके बाद हमने नेदर में जाकर सोने के लिए तलवार वाले सुअर मारे। अगले दिन भी हम वहीं पर मॉब मार रहे थे, लेकिन तभी पिगलिन भैया ने हमारी पेट पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे तैसे हम भाग कर जिंदा बच गए, लेकिन पिगलिन भैया से हमें ये उम्मीद नहीं थी, तो हमने उस पापी पिगलिन का वध कर दिया। इसी बीच हम पर एक गैस ने हमला कर दिया और नेदर पोर्टल टूट गया। हमारे पास फ्लिंट एंड स्टील भी नहीं था और ना ही नजदीक लावा था, तो पोर्टल एक्टिवेट करने का सिर्फ एक तरीका बचा, जो था भगवान से प्रार्थना। जस्ट किडिंग, पोर्टल को हम फायर चार्ज से भी एक्टिवेट कर सकते थे, जो कि हमें गोल्ड डिगर से पिगलिन भैया से ट्रेड करके मिल जाएगा। तो मॉब्स मारकर हमने ढेर सारा गोल्ड इकट्ठा किया और फिर उसे पिगलिन से ट्रेड किया, और गोल्ड के बदले हमें 49 ग्रेवल, एक फायर रेजिस्टेंस पोशन, दो एंडर पर्ल, 11 सोल सैंड और फायर चार्ज के साथ ही काफी सारी आइटम्स मिली। फायर चार्ज से हमने पोर्टल को एक्टिवेट किया और वापस घर आ गए। घर आकर हमने ग्रेवल और डर्ट का यूज करके कोस डर्ट बनाई और खेत को थोड़ा और बड़ा किया। उसके बाद हमने फिर से कोने पर जंगल सैपलिंग लगाई, लेकिन इस बार चार, ताकि एक बड़ा सा पेड़ ग्रो हो सके। लेकिन जंगल सैपलिंग का ड्रॉप रेट काफी कम होता है, तो हमारे पास सिर्फ 11 ही सैपलिंग थी और पेड़ सिर्फ दो ही कोनों पर लग पाए। हमारे पास 3 सैपलिंग बची थी और हमें 5 और सैपलिंग चाहिए थी, ताकि बचे हुए दोनों कॉर्नर्स पर 4-4 सैपलिंग लग सके। बोन मिल का यूज करके हमने उसे ग्रो किया और सैपलिंग के लिए लीफ काटने लगे। काफी देर तक हमने यही काम किया, लेकिन सैपलिंग बढ़ने की जगह घट गई और हमारा कट गया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही सैपलिंग बची थी। हमारा बेस बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि हम किसी भी साइड से नीचे गिर सकते थे, तो हमने चारों तरफ वॉल्स लगाने का फैसला किया और काम शुरू कर दिया। डे 70 पर हमने फ्लैचर से लकड़ी ट्रेड की और काफी सारे एमरल्ड्स इकट्ठा किए। उन एमरल्ड्स से हमने चेस्ट प्लेट और बूट खरीदे और उस विलेजर का लेवल भी इंक्रीज किया। इन सभी कामों के साथ हम उस पूरे एरिया को अपग्रेड करते रहे। हमारे पास काफी सारे बूट्स हो गए थे और हमें इतने सारे बूट्स की जरूरत नहीं थी, तो उन्हें पिघलाकर हमने आयरन नगट बना दिए। उसके बाद हमने आर्मरर से शील्ड खरीदी और उसे एक्सपर्ट में लेवल अप कर दिया। अब वो फाइनली डायमंड आर्मर बेच रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगी थी, तो गरीबी के कारण हमें टूटे फूटे आर्मर से ही काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद हमने सभी शील्ड को चेस्ट में रख दिया और फिर से विलेजर्स के साथ बिजनेस करके क्लैरिक को एक्सपर्ट बनाया, लेकिन वो ज्यादा अच्छा सामान नहीं बेच रहा था और फिर से गोलम स्पॉन हुआ था। तो डे 71 पर हमने छोटे मोटे काम किए और साथ ही विलेजर्स को भी अपग्रेड करते रहे। डे के एंड में हमारे पास 27 आयरन हो गया था। अब हमारे पास काफी आयरन था, तो मॉ फार्म के लिए हमने 4 हॉपर्स बनाए और उन्हें फार्म में प्लेस कर दिया। साथ ही हमने बेस में भी थोड़े चेंजेस किए, लेकिन इन सभी कामों की वजह से हम एक जरूरी चीज भूल गए, जो था जानवरों को ऊपर लाने के लिए एलिवेटर बिल्ड करना। लेकिन अभी भी उसके लिए हमें काफी सारा कोबल स्टोन चाहिए था, तो अगले पूरा दिन हमने सिर्फ कोबल स्टोन माइन किया। डे 74 पर हमने लेदर और पेपर से एक बुक बनाई और फिर एक लेक्टन बनाकर विलेजर को लाइब्रेरियन बनाया। काफी बार ट्राई करने के बाद वो 14 एमरल्ड की मेंडिंग बेचने लगा, लेकिन हमारी गरीबी अभी तक वैसी ही थी, तो अभी हम कुछ भी नहीं खरीद सकते थे। सामने हमें एक डेजर्ट आइलैंड दिखा था और हमारे पास बिल्कुल भी सैंड नहीं थी, तो कोबल से स्लैब बनाकर हम गए उस आइलैंड की तरफ और वहां से हमें 28 सैंड और 3 कैक्टस मिला। डे 75 पर हमें फिर से याद आया कि हम वाटर एलिवेटर बनाना भूल गए हैं, तो हमने वाटर एलिवेटर पर काम शुरू नहीं किया और नया कोबलस्टोन फार्म बनाने लगे। एलिवेटर तो बनती रहेगी, नया कोबलस्टोन फार्म जो कि बिल्कुल पिछले की तरह ही काम करेगा, वो बनाना ज्यादा जरूरी है। तो हमने कोबलस्टोन फार्म बनाना शुरू किया और थोड़ी देर बाद ही फाइनली आखिरकार एलिवेटर पर भी काम शुरू कर दिया। डे 76 पर कोबलस्टोन फार्म तैयार हो गया, जो कि पिछले फार्म से काफी कम स्पेस ले रहा था। फिर हमने पुराने कोबलस्टोन फार्म को हटा दिया और अब हमारे पास काफी ज्यादा स्पेस हो गया था। उसके बाद हमने गोलम मारकर थोड़ा और आयरन इकट्ठा किया, लेकिन एलिवेटर के लिए कोबलस्टोन कम पड़ गया था, तो पूरा दिन हम कोबलस्टोन माइन करते रहे। नेक्स्ट डे तक हमारे पास काफी सारा कोबलस्टोन हो गया था, तो एक बार फिर से हमने एलिवेटर पर काम शुरू किया। पूरे दिन हम एलिवेटर पर ही काम करते रहे और दिन के अंत तक काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। डे 78 पर हमने एलिवेटर में पानी फेंका। एलिवेटर का काम पूरा करने के लिए हमें कैल्प की जरूरत थी, पर हमारे पास ग्लोबेरीज थी जो कि काफी हद तक कैल्प की तरह काम करती है, तो हमने ग्लोबेरीज को ग्रो किया, लेकिन नीचे बढ़ने की जगह उसमें काफी सारी बेरीज ग्रो हो गई, तो हमने पानी में ग्रास उगाया और फिर उससे हमने कैल्प बनाया। नीचे आकर हमने एलिवेटर का काम पूरा किया। पहले हमने उसमें सोल सैंड लगाई और फिर बोन मील से कैल्प ग्रो किया, लेकिन बोन मील खत्म हो गया था,
तो हमें ऊपर वापस जाना पड़ा। नेक्स्ट डे हम काफी सारी अस्थियां बोन मील लेकर दोबारा नीचे गए और कैल्प को ऊपर तक ग्रो किया। उसके बाद हमने एलिवेटर को टेस्ट करने के लिए सुअर को ऊपर भेजा, लेकिन सुअर की जगह सिर्फ उसके टुकड़े बाहर आए क्योंकि हम कैल्प तोड़ना भूल गए थे। बट कोई बात नहीं, वो कहावत है ना, बड़े बड़े कामों के लिए छोटे छोटे सैक्रिफाइस तो करने पड़ते हैं। तुमने नहीं सुनी, नीचे जाकर हमने कैल्प तोड़ा और अब हमारी वाटर एलिवेटर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही थी। तो एलिवेटर का यूज करके हमने जानवरों को ऊपर पहुंचाया और अब हमारे पास एक पॉक चॉप और एक बीफ एक सुअर और एक गाय थी, लेकिन उन्हें रखने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं थी तो हमने उन्हें खुले में ही छोड़ दिया। डेटी पर नीचे दो और गाय स्पॉन हो गई थी तो हमने उन्हें भी ऊपर पहुंचा दिया और उनके साथ खुद एक स्वादिष्ट दिखने क्यूट दिखने वाला मुर्गा भी आ गया। जगह ना होने की वजह से हमने उन्हें भी खुले में छोड़ दिया और फिर एलिवेटर वाले एरिया को बंद कर दिया। डे टी वन पर हमने थोड़ी देर कोबल माइन किया, हमें एक आयरन फार्म भी बनाना था तो मॉब फार्म के सामने ही हमने आयरन फार्म के लिए जगह एक्सपेंड करना शुरू किया। इसी बीच हमने ट्रीज काटे और लकड़ियों को ट्रेड किया और फिर से गोलम चमत्कारी तरीके से ऊपर लॉक्स पर स्पॉन हो गया था तो एक बार फिर से उसे नीचे उतार कर हमने ऊपर पहुंचा दिया। साथ ही हमने उन लॉक्स को भी हटा दिया और काफी टाइम बाद पापी आत्माओं को मुक्ति दी। नेक्स्ट डे हमने सबसे पहले पेड़ काटे, 100 डेज खत्म होने से पहले हमें घर भी बनाना था तो हम आयरन फार्म और घर के लिए सामान इकट्ठा करने लगे। लेकिन आयरन फार्म के लिए हमें एक नेम टैग वाला ज़ॉम्बी भी चाहिए था और नेम टैग के लिए हमें लाइब्रेरियन को मैक्स तक अपग्रेड करना था तो उसके लिए हमने काफी देर तक ट्रेडिंग की और लाइब्रेरियन को जर्नी मैन तक पहुंचा दिया। उसके बाद हमने फिर से वुड काटी और 6 बेचकर एमराल्ड्स खरीदे। नेक्स्ट डे हमने फिर से लाइब्रेरियन से ट्रेड की और हॉल के अंदर कुछ ज्यादा ही विलेजर स्पॉन हो गए थे और हम नहीं चाहते थे कि फिर से कोई भी विलेजर उस चालाक विलेजर की तरह भाग जाए तो हमने सभी को बोट में बैठा दिया और फिर आयरन फार्म के लिए सैंड को ग्लास में कन्वर्ट किया। एक और बार हमें ट्रेडर भाई ने अपने दर्शन दिए तो उसके बदले हमने उन्हें मौत दे दी। ट्रेडर भाई की किस्मत में सिर्फ मरना लिखा था। इन सभी चीजों के साथ ही हमने खेत वाली जगह के सामने घर के लिए जगह एक्सपेंड कर दी, लेकिन अभी भी लाइब्रेरी लैंटर्न नहीं खरीद रहा था तो हम उसे अपग्रेड नहीं कर पाए। फिर से गोलम स्पॉन हुआ तो अगले दिन भी लाइब्रेरियन लैंटर्न नहीं बेच रहा था तो हमने पूरा दिन वेट किया और काफी सारे गोलम मारे लेकिन फिर भी उसने लैंटर्न नहीं बेचे। नेक्स्ट डे हम दोबारा लाइब्रेरियन के पास गए और फाइनली वो लैंटर्न नहीं बेच रहा था। इस हिसाब से तो 100 डेज पूरे भी हो जाए तो भी ये कुछ नहीं बेचेगा तो हमने और टाइम वेस्ट ना करके आयरन फार्म और घर पर काम शुरू कर दिया। डे 8 पर आखिरकार लाइब्रेरियन लैंटर्न खरीदने लगा तो हमने उसे ट्रेड करके अपग्रेड किया और फाइनली वो मास्टर बनकर नेम टैग बेचने लगा, लेकिन उसके लिए हमें 19 एमराल्ड्स चाहिए थे तो हमने काफी देर तक ट्रेड किया और आखिरकार नेम टैग खरीद ही लिया। गोलम मारकर हमने एक सैक से भी ज्यादा आयरन इकट्ठा कर दिया था तो उससे हमने एक एनविल बनाया। फिर हमने फार्म से एक ज़ॉम्बी निकालकर उसे बोट में कैप्चर किया और काफी देर की मेहनत के बाद उसे आयरन फार्म में पहुंचा ही दिया। उस जगह पर हम टॉर्चेस लगाना भूल गए थे तो वहां पर काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए और फिर हमें याद आया कि फार्म के अंदर हमें पहले विलेजर को डालना था क्योंकि ज़ॉम्बी को देखकर वो डर के मारे फार्म में नहीं जाएंगे तो हमें उस ज़ॉम्बी को मारना पड़ा। उसके बाद हम विलेजर्स को लाने हॉल में गए, बोट में कैप्चर करके हम उन्हें बाहर लाए और बेड का लालच देकर उन्हें फार्म तक पहुंचा ही दिया। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी और फार्म में ज़ॉम्बी को डालना बाकी था और अगर ये दिन मिस हो जाता तो हमें फिर से रात होने का वेट करना पड़ता तो जल्दी से मॉब फार्म से हमने एक ज़ॉम्बी को निकाला और उसे ऊपर लाने लगे। अफसोस, ज़ॉम्बी भाई बीच रास्ते में ही शहीद हो गए। तो रात तक वेट करने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, लेकिन टाइम वेस्ट करने की जगह हमने कोबलस्टोन माइन किए। रात होती हम ज़ॉम्बी को बाहर निकालने लगे लेकिन उसके साथ और भी बहुत कुछ बाहर आ गया। जैसे तैसे हमने उसे बंद कर ही दिया। उसके बाद फाइनली हम ज़ॉम्बी को ऊपर लाए और कैप्चर कर ही दिया। उसके बाद हम मॉब फार्म को रिपेयर करने लगे लेकिन तभी उसमें से एक बेबी ज़ॉम्बी बाहर आ गया और उसने मुझे ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया था, लेकिन जैसे तैसे मैं बच गया। नेक्स्ट डे हम फिर से मॉब फार्म फिक्स करने लगे लेकिन फिक्स करने की जगह हमने उसे और भी खराब कर दिया, लेकिन जैसे तैसे हमने उसे ठीक कर ही दिया। और क्योंकि ज़ॉम्बी भाई विलेजर्स को डराने में हमारी हेल्प कर रहे थे तो उनका नाम हमने हेल्पर या दोस्त बिल्कुल भी नहीं रखा। अब आयरन फार्म का मेन पार्ट कंप्लीट हो गया था तो हमने उसके ऊपर दोबारा काम शुरू किया। डे 95 तक आयरन फार्म पूरा कंप्लीट हो गया और वो काफी अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन कैसल अभी तक बचा हुआ था तो हम उस पर काम करते रहे।
हमारे पास लावा की सिर्फ एक बकेट थी जिसे हमने आयरन फार्म में लगा दिया था, लेकिन हमें कोबलस्टोन फार्म के लिए भी लावा चाहिए था। तो सोल सैंड का यूज करके हमने कैंप फायर बनाई और आयरन फार्म से लावा हटाकर उसे लगाया। कैंप फायर से आयरन गोलम को काफी डैमेज हो रहा था, लेकिन आयरन उसी पर फंस जा रहा था, तो हमें दोबारा उसे हटाकर लावा प्लेस करना पड़ा। आयरन फार्म पर एक एक्स्ट्रा स्लैब प्लेस हो गई थी और उसके ऊपर गोलम स्पॉन हो गया था, तो हमने उस स्लैब को हटा दिया। नेक्स्ट हमने कैंप फायर को थोड़े डिफरेंट तरीके से लगाया और इस बार वो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था। बीच बीच में कुछ आयरन कैंप फायर के ऊपर ही फंस जा रहा था, लेकिन ज्यादातर आयरन फिर भी ड्रॉप हो रहा था, बट एटलीस्ट हम लावा से कोबल स्टोन बना सकते थे। अब हमारे पास काफी सारा आयरन हो गया था, तो नेक्स्ट हमने आयरन टूल्स और आर्मर बनाया। फाइनली कैसल भी कम्प्लीट हो गया और फिर हमने सारा सामान कैसल में शिफ्ट कर दिया। फिर हमें याद आया कि हमारे पास जानवर भी थे, पर वो हमारे पुराने वर्ल्ड की तरह गायब हो गए, तो हमें दोबारा नीचे से जानवर लाने पड़े और इस बार उनके रहने के लिए हमने फैंस से जगह भी बनाई। लावा ना होने के बावजूद भी आयरन फार्म काफी अच्छे से काम कर रहा था, तो अब हमारे पास आयरन की भी कमी नहीं थी। हम ऑलमोस्ट सारी चीजें कर चुके थे, बस सिर्फ एक काम बचा था। तो डे 100 पर हम गए फोर्ट्रेस के पास और फिर शुरू हुई हमारी फाइनल फाइट। फाइनली हमने अंडर ड्रैगन को मार ही दिया, साथ ही हमने उसका अंडा भी चुरा लिया और फिर हम घर वापस आ गए। तो होपफुली तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। कमेंट करके बताना कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या था, और अगर तुम्हें वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और किसी दोस्त के साथ भी वीडियो को शेयर करना। एंड या हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।